तो गुड मॉर्निंग गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है, जैसे कि आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है पुश पुल लेग। तो आज मैं थोड़ा हैवी वर्कआउट नहीं करने वाला हूँ, आज मैं एब्स करूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपना चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स किया था और उसके बाद एक दो दिन का ब्रेक हो गया, अभी मैं बाहर गया हुआ था। तो आज ही कल रात वापस आया हूँ, तो 2-3 दिन तक तो ऐसे ही रहता है। तो लाइट वर्कआउट लूंगा आज, उसमें एब्स लूंगा। और लाइट मैं बोल रहा हूँ बट हो सकता है मैं थोड़ा सा हैवी ले लूँ, क्योंकि प्रॉपर एब्स मैं आज ट्रेन करूंगा। और जैसे कि रेस्ट भी काफ़ी हो चुका है, तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा खा पी कर सबसे पहले तो मैं एक बनाना लूँगा, देन उसके बाद अपना प्री वर्कआउट लूँगा और आपको मिलता हूँ जिम में। चलो गाइस, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं जिम में। Guys, finally, I'm at the gym after 2 days. It's looking similar as it was. So, ये देखो जिम का माहौल, वर्कआउट लोगों का देखो, डंबल रख के सोए पड़े हैं सबके सब। और अगेन इट्स 11 o'clock। चलो मुझे तो वर्कआउट करना है आज। जिम का माहौल सेट टाइप लग रहा है, क्योंकि म्यूजिक भी नहीं चल रहा जब मैं म्यूजिक बनता, और देखते हैं। चलो म्यूजिक नहीं बन जाए अच्छी बात है। अब मैं करता हूँ अपना एप्स वर्कआउट। एप्स वर्कआउट में पहले मैं एप्स ट्रेन करूँगा, देन उसके बाद कार्डियो लूँगा, क्योंकि कार्डियो हमेशा अपने वर्कआउट के बाद करना चाहिए, क्योंकि जो कैलरीज आपकी वर्कआउट से बर्न जाती है जितने अच्छे तरीके से, तो वो बेटर रहता है। उसके बाद कार्डियो कर। चलो ढूंढ रहे हैं मैट। वेयर इज माई मैट ब्रो? भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हैं डंबल उठा के जेब में रखोगे क्या? तो यहाँ पर है मैट, मैट ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले एक्सरसाइज में हाफ क्रंचेस लगाऊंगा। चलो गाइस चलते हैं अपने फर्स्ट सेट की तरफ, जो रहेगा हमारा हाफ क्रंचेस। फॉर दैट यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर मैट। नाउ एडजस्ट योर कैप बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज। हाफ क्रंचेस, सो गैस हाफ क्रंचेस के मैं 4 सेट लेने वाला हूँ, अराउंड 50 रैप्स ऑन 1 सेट। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, अपना सेकंड चलते हैं फोन का, रोप से करेंगे। तो रोप में अगेन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। चलो पहले रोप पे करते हैं, उसके पहले मैं 4 सेट कंप्लीट कर लेता हूँ, एक सेट और मारता हूँ, दो तो मैं करते रहूँ पहले से। तो गैस सेकेंड एक्सरसाइज के लिए मुझे इस पर चलना है। देखो ये ऐसे नहीं करना, ये तो गलत कर रहा है, मैं आपको सही बताऊंगा अभी। तो चलो गाइस पुली पर लगाते हैं अपने एब्स का वर्कआउट। ये अपर एब्स के लिए होते हैं मोस्टली, तो उसके लिए हाँ सबसे पहले वेट कर लेते हैं, थोड़ा हैवी मारेंगे। ये था पुली पर, अपर एब्स के लिए था। तो इसमें क्या क्या है, मैंने 20 रैप्स निकाले हैं विद अराउंड 25 kgs था। तो उसके बाद अगेन मैं 4 सेट और लेने वाला हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो गाइस चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। जो थर्ड रहेगी हमारी वो लेग रेज रहेगी। इसे थोड़ा इंक्लाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, उसके बाद करता हूँ इसे। चलो गाइस चलते हैं इस पर, इसे मैं पहले थोड़ा इंक्लाइन कर लेता हूँ, देन इसके बाद करेंगे इसे लेग रेज। ओह माय गॉड, इसके यहाँ पे मैंने 20 रैप्स लिए हैं और अगेन 4 सेट लेने वाला हूँ, 3 एक्सरसाइज हो चुकी और मैं जस्ट 4 एक्सरसाइज लूंगा एब्स की। तो लास्ट और ले लेते हैं, उसके बाद कार्डियो करते हैं। कार्डियो मैं कम से कम 20 से 25 मिनट का रखने वाला हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। भाई 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 खड़े होना, खड़ा होना, मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज मारनी है। तो चलो गाइस यहाँ पे करेंगे ऑल्टरनेटिव लेग रेज इस बेंच पे। तो ये काफ़ी ही पुरानी लग रही होगी बट कोई नहीं, मतलब एक्सरसाइज करनी है। चलो करते हैं ना लास्ट एक्सरसाइज। सो गाइस चलो करते हैं अपना लेग रेज। ओह ये थी मेरी 4th एक्सरसाइज।
और चार चार सेट मैंने सबके किए हैं। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे कार्डियो करना है। कार्डियो में मैं रोप स्कीपिंग करूंगा, देन रनिंग करूंगा। तो 10 मिनट की रोप स्कीपिंग रहेगी और 10 मिनट का मेरा रनिंग रहेगा, ये इनफ है। चलो करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने रोप ले लिया है और इससे करते हैं रोप स्कीपिंग। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है आपका फैट बर्न का। तो चलो करते हैं। सॉरी, सो गाइस मैं आपको अब दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे कितने टोटल काउंट किए। ये देखिए, और 1113 काउंट किए हैं और 127 मेरा हार्ट बीट है इस टाइम पे फैट बर्निंग। तो 10 मिनट के अराउंड मैंने यहाँ पे ये अपनी रोप स्कीपिंग की है और अब इसके बाद चलते हैं अपना ट्रेडमिल पे चलते हैं। ट्रेडमिल अगेन 10 मिनट के लिए करेंगे। सो गाइस ये था मेरा आज का वर्कआउट। मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का वर्कआउट हो चुका है और इसमें मैंने प्रॉपर एब्स कर लिए हैं और कार्डियो भी हो चुका है। अब चलते हैं घर की तरफ, लेते हैं अपना मील। आज मैं आपको मील भी दिखाने वाला हूँ, क्या क्या मैं लेता हूँ आफ्टर वर्कआउट मील, एंड थोड़ा सा आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्वेश्चन बचते हैं, वो सब चीज़ें। चलो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।